हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव गेम के टॉप 10 फैक्ट्स। वे फैक्ट्स जिन्हें आपने कई बार देखा होगा, आप इनके बारे में जानते होंगे। आज मैं वो फैक्ट्स लेकर आया हूँ। अगर आप इन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव गेम की फैक्ट्स की बात करें तो इसमें पहला फैक्ट निकल आता है, जितने भी इसमें प्लेयर हैं सभी का सिर्फ एक ही सपना होता है कि वे इस गेम में प्रो प्लेयर बन सके, या फिर उनकी ये कोशिश होती है कि वे इस गेम में एक न एक दिन प्रो प्लेयर बने। और साथ ही साथ इसका अगला फैक्ट निकल आता है कि ये गेम दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है, इसी कारण ये ऑनलाइन है और साथ ही साथ इसलिए इसमें ज्यादा हैकर्स के अटैक भी होते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा हैक किए जाने वाला गेम है। उसका अगला फैक्ट निकल आता है, इसमें जितने भी प्लेयर हैं उनका ये मानना है कि अगर हम इस गेम को ज्यादा देर तक खेलेंगे, यानी कि इसमें अगर हम 1000 घंटे या 700-800 इतने घंटे इस गेम को खेलेंगे तो हम इस गेम में प्रो प्लेयर बन जाएंगे। और इसका जो चौथा फैक्ट है वो निकल आता है, इसमें जो सबसे अच्छी और बेहतरीन बंदूक कम रेट में, यानी कि 3000 की प्राइस नीचे है, यानी कि जो AK-47 आती है उससे नीचे इसमें है P90, ये आपको 2000 की प्राइस में मिल जाती है। मगर जो AK-47 है वो 2500 में, अगर वो जो अगर हम बात ऊपर जो लेंस वाली आती है वो आपको मिलेगी 3000 की, काउंटर टेररिस्ट में मिलेगी 3500 की। ये है इसके फैक्ट। और अगर अगले फैक्ट की बात करें, यानी कि पांचवें फैक्ट की, तो वो निकल आता है इसमें इस गेम को ऑनलाइन इतनी ज्यादा खेला जाता है, साथ ही इतने घंटों तक खेला जाता है कि इसके सर्वर ज्यादातर डाउन रहते हैं, मगर फिलहाल इसके कई सर्वर अपग्रेड कर दिए गए हैं जिससे अब आपको इसकी सर्वर प्रॉब्लम वो देखने को नहीं मिलेगी। और इस गेम का छठा फैक्ट है, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं अगर उन्होंने 20 घंटे तक इस गेम को खेला है तो वो 20 घंटे वाले प्लेयर जो 1500 घंटे तक इस गेम को खेलते हैं उनसे बेहतर है, इसका एक फैक्ट है। मान लो अगर आप नए प्लेयर हैं और एक तरफ दूसरा प्लेयर है जिसने इस गेम को 1500 घंटे तक खेला है तो आप उससे थोड़े बेहतर होंगे, इस गेम का फैक्ट है। और इसका अगला फैक्ट निकल आता है, इसमें जो ग्रेनेड्स है यानी कि जो स्मोक जो आग वाला है वो इसे आप किसी दूसरे प्लेयर को डोनेट नहीं कर सकते। बता दें इस गेम में आप किसी भी दूसरे प्लेयर को अपने वेपन्स डोनेट कर सकते हैं, मगर जो ग्रेनेड्स है वो इस गेम में आप किसी को डोनेट नहीं कर सकते, ये भी इसका एक फैक्ट है। इसका आठवां फैक्ट निकल आता है, कई सारे पीपल्स ये सोचते हैं कि इसमें जो AWP वेपन है वो वेपन सिर्फ न्यू प्लेयर काम में लेते हैं, यानी कि जो AWP वेपन है वो सिर्फ वो प्लेयर का मिल लेते हैं जिन्हें गेम नहीं खेलना था या फिर जो कम खेलते हैं, वे प्लेयर AWP वेपन्स कम मिल लेते हैं। और इसका जो नोवा फैक्ट है वो निकल जाता है, इसमें जो काउंटर टेररिस्ट प्लेयर होते हैं उनके पास एक अलग माइंड होता है, क्योंकि वे बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि उनके पास एक एडवांस माइंड है जिससे वे बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हैं। इसका आखिरी और दसवां फैक्ट निकल जाता है, इसमें जो भी जो प्लेयर इसमें ये गेम खेलता है वो प्लेयर इस गेम का एडिक्टेड हो जाता है, ये इस गेम का एक फैक्ट है। जितने भी लोग इस गेम को खेलते हैं वो लोग इस गेम के आदि हो जाते हैं, ये इसका एक आखिरी फैक्ट है। मुझे उम्मीद है आपको काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के ये टॉप 10 फैक्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।